जोर से कमजोर तर होता चला जा रहा है। हमने किबले कहीं और बना ली, हमें वापस उस स्तंभ पलटना होगा। हमें सारी निस्बतें, सारे तहल्लुक, सारे वास्ते बस उसी गुंबद खज़रा के हसीन जलवों में और उनके साथ कायम करने होंगे, फिर बात बनेगी। क्या खूब बात कही हाफिज नज़ुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लामा वक़ार हज़ारवी साहब। आप शायद मुझे नहीं जानते, मैं तो आपको जानता हूँ। इनको याद आ गया होगा मैंने ये बात क्यों कही। मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, बचपन के साथी हैं। हाफिज नज़ुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा, इधर भी कोई अब्रे रहमत का छींटा। जी सर, ये वो दर्द है जो आपके सामने आपके दोस्त गुजार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, इधर भी कोई अब्रे रहमत का छींटा, इधर भी नजर बेसहारों के वाली, निगाहों में है तेरी बख्शिश का आलम, खड़े हैं तेरे दर पे तेरे सवाली। कभी एक जमाने में थी बचे नाजिश, तेरे नाम लेवाओं की शान आली, मगर अब तो है इबरतों का फसाना, हम अहले मुसीबत की आशुता हाली। हमें फिर अदा हो जलाले अबू ज़र, फिर किसी को जुरत ना हो। हमें फिर अदा हो जलाले अबू ज़र, हमें अपने किबले दुरुस्त करने होंगे। हमें पक्का सच्चा गुलाम और आशिक रसूल बनना होगा। हमें इश्क बिलाली का एक जरा अपनी जिंदगियों में शामिल करना होगा, ताकि फिर ये उम्मत यहाँ से उठे, जमीन की यथा ग्राहियों से दल दल से उठे और आसमान के और जिस रैया पर फिर सफर करे। अहबाब जी वकार इन्हीं अल्फाज के साथ इंतहाई अदब से मतलब सुन हाफिज अताउल मुस्तफा मलिक साहब से तशरीफ लाते हैं और मुख्तसर से वक्त में करीम आफ्ता की बारगाह में मोहब्बत भरी हाजिरी पेश करते हैं। मोहतरम अताउल मुस्तफा मलिक साहब।